सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मारपीट कर फांसी पर लटकाया तबियत होने मारपीट कर फांसी पर लटकाया तबियत खराब होने का बहाना बनाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाया पूजा तोमर को। मृतक पूजा तोमर 27 वर्ष का विवाह 5 वर्ष पूर्व सत्येंद्र सिंह सिकरवार उर्फ बंटी के साथ संपन्न हुआ। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी पूजा का कोई संतान नहीं हुई। संतान ना होने को लेकर सास गुड्डी देवी आए दिन पूजा को प्रताड़ित करती थी। इसी बात को लेकर पूजा व सास गुड्डी देवी में अधिक कहासुनी होने के बाद उसकी सास गुड्डी देवी देवर सतीश सिंह ने पहले उसके साथ मारपीट की और अधमरा कर दिया और पूजा तोमर को गले में फंदा डालकर मार दिया। यह आरोप मृतक पूजा तोमर के पिता सत्यभान सिंह तोमर ने लगाया। उन्होंने बताया कि पूजा को कोई संतान न होने के कारण सास आए दिन झगड़ा करती थी। सोमवार की रात्रि 2 बजे लगभग पूजा के ससुर हमारे घर पर भिंड रोड बाईपास पर आए और बोले कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब पूजा के पिता उसके घर पहुंचे तो पूजा को अचेत अवस्था में एम्बुलेंस में उसके ससुराल के पक्ष के लोग बैठा चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने पूजा के शरीर पर गर्दन पर चोट के निशान देखे। पूजा की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। पोरसा थाना प्रभारी अतुल सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जाँच स्पष्ट हो पाएगा, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। ये हमारी नातिन थी और इसकी 4 साल शादी हो गई 5, और इसके कोई बच्चा न होने के कारण इन्होंने परेशान किया, तो उससे हमारा दामाद सत्यभान सिंह ये कोरसा में ही रहते हैं, धनेटा रोड पर हमारी नातिन का घर था और वहाँ पर ये इतना न जानकार होकर के लड़की के पास जाते रहे, लेकिन उन्होंने घर की स्थिति सही जान नहीं पाई। लड़के को बाहर निकाल के इसके बाप ने, इसके भाई लड़के के छोटे लड़के ने और इनके मामा माँ रहते हैं, इनके द्वारा एक शिकायत हुई और शरीर पर पूरा गले की घोंटी का ना पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या पहले भी कभी बच्ची को आपकी को प्रताड़ित किया गया है क्या? हाँ, इसको पहले भी प्रताड़ित किया गया है। दमान ने 1 साल पहले ही 40,000 रुपया इसको दिया है और जहाँ भी इलाज होता है तहाँ वो करता रहा, वहाँ तक हम लोग तक बात न पहुँचाने तक ये अपने तक ही सीमित रखी। तो अभी आपने इसकी शिकायत पुलिस ऑफिसर वगैरह थाने में पूछा की? अभी हम घर से आए हुए, हम पुलिस ऑफिसर भी जाएंगे, अभी पोस्टमास्टर हो रहा है, उसके बाद क्या रिजल्ट ये देते हैं उसके बाद सारी कार्रवाई। 2 महिलाओं के मामले आए थे, एक महिला गांधी नगर रहने वाली है, उसके ससुर ने प्रथम दृष्टि यह बताया कि रात को 2-2.5 बजे करीब उसको बुखार उखार आ रहा था, तो अस्पताल ले गया है, तो वहाँ पे वो खत्म हो गई। तो मामला संदेह पर है, उसकी वेरीफाई कर रहे हैं मैडम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के डॉक्टर भी आ गए हैं, उसका सब परीक्षण जो है मेडिकल बोर्ड से कराए हैं, उसके बाद जो स्थिति होगी बताएंगे। दूसरी एक महिला जो है मड़ोखे की रहने वाली है, वो भी नवविवाहिता की श्रेणी में है और उसने कुछ सतर्क ऐसा लग रहा है कि कोई भोजन खाया है, इसमें भी मर कायम हो गया है। दोनों प्रकरण की जांच जो है SGP साहब द्वारा की जा रही है और बाद पोस्टमार्टम जैसी स्थिति बनेगी उसका कार्रवाई।